नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कुल भी मिरर, हर पल आपके साथ। सलानपुर थाना क्षेत्र के आसनसोल चितरंजन मुख मार्ग पर देंदुआ रेल गेट के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव को परिजनों के सपूत किया और वहीं आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर धरपकड़ की शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार 35 वर्षीय सुकुमार चंद्र, जो कुल्टी बोडरा निवासी है, सुबह 9 बजे अपने 7 वर्षीय पुत्री को नृत्य क्लास करवाकर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। तभी तेंदुआ मोड़ में रेल गेट के समीप पहुंचते ही तेज गति वाला परवाही से आ रही ट्रक ने सुकुमार की बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से सुकुमार बाइक से सड़क पर जा गिरा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पेशे से शिक्षक थे। स्थानीय लोगों में रेल प्रशासन के प्रति काफ़ी रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि रेल द्वारा सड़क पर सीमेंटेड सिल्ली बिछाई गई है, जो दो पहिया वाहनों के लिए दुर्घटना का विषय है। स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना को लेकर ट्रेन को रोक दिया गया, जिसके कारण आसनसोल से चितरंजन मुख मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा। पहले से हाँ ये बात बंद। हाँ बोलिए। ओ जो आज के क्यों हो दुर्घटना? आज सकाले ওই দিক থেকে একটা ডাম্পার আসছিল, রেলের যে পোরশনটা শুরু হচ্ছে রেলের, মানে স্টেট গভর্নমেন্ট আর রেলের যে জায়গাটা আছে ওই জায়গাটা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে আছে। ওই জায়গাটাকে একটা ডাম্পার ওই দিক থেকে আসছিল, ওই ডাম্পারটা বাঁচাবার জন্য রং রুটে ঢুকে যায়। আর এই দিক থেকে একটা বাইক ওর ছেলেকে নিতে এসেছিল টিউশনি, যাচ্ছিল উল্টা দিক থেকে এসে বাইকওয়ালাটাকে মেরে দেয়। আর বাইকওয়ালাটার অবস্থা খুব সিরিয়াস, বাঁচে কি বাঁচে না এখন দেখার ব্যাপার আছে, কিন্তু অবস্থা খুব খারাপ আছে। রেলকে যখন আমরা বলছি, রেল বলছে আমাদের কিচ্ছু করার নেই, আপনারা যাকে ডিআরএমে কথা বলেন। অথচ রেল যখন এই সিলিগালা বসাচ্ছিল তখনই বলেছিল যে আমরা এটা সিমেন্টিং করে দেবো, কিন্তু আজ 1.5 বছর হয়ে গেল ওরা কিচ্ছু পদক্ষেপ নেয়নি। এখন কি বলছে রেল? এখন রেল বলছে এটা কিছু করা যাবে না, আপনারা যাকে ডিআরএমের সঙ্গে কথা বলুন।